एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लिम्स ऑफ हैप्पीनेस। तो टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं अपनी डॉटर का बुक्स का कलेक्शन थोड़ा सा शेयर करूँगी। इसमें मैंने कुछ बुक्स ऐसी चूज़ करी हैं जो कि उसकी फेवरेट हैं और वो बहुत ही इकोनॉमिक बुक्स हैं, येट बहुत ही मतलब ब्यूटिफुली प्रिंटेड हैं। प्रथम एक सीरीज़ है बुक्स का, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन प्रॉफिटेबल बेसिस पर बुक्स को प्रिंट करते हैं, तो उससे ही रिलेट उसकी ही काफ़ी सारी बुक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही साथ 2 to 5 ईयर्स की एज में जो बुक्स हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगी, और एक्टिविटी किट भी मैंने जो उसके लिए लिया है जिसको वो बहुत इंजॉय करती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, और चलिए फिर मैं आपको बुक्स 1 by 1 दिखाना स्टार्ट करती हूँ उसकी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे कंटिन्यू होने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। इससे पहले की वीडियो में मैंने अपनी डॉटर के लिए कुछ परचेजिंग किया था फर्स्ट क्राई से, कुछ नाइट सूट मैंने परचेज किए थे, उसका एक हॉल वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। तो अगर इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उसका लिंक ड्रॉप कर दूंगी, वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग से डील्स रहते हैं फर्स्ट क्राई पे, और डिस्काउंटेड प्राइसेस पे आप अफोर्डेबल क्लोथ्स ले सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ बुक्स मैं आज आपको दिखाऊंगी, और क्योंकि भाई जब से कोविड स्टार्ट हुआ है जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है प्रॉब्लम फेस किया है वो बच्चों ने फेस किया है, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं। ऐसे में हम पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ गया है, सब कुछ हमें खुद से सिखाना है बच्चे को। और सबसे अच्छा जो तरीका है किंडरगार्टन के बच्चों को सिखाने का, वो मुझे लगता है कि हम उनको बुक्स के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं, क्योंकि रीडिंग एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में चीज़ों को सीख लेते हैं और मानते हैं। तो आज मैं मेरी बेटी के कुछ बुक्स आपको दिखाऊंगी। अगर आपका बच्चा 2 years से 5 years तक है तो आप ये वीडियो को बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, एंड ये बुक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हो, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 25 rupees से बुक स्टार्ट है, और आज की इस वीडियो में मैं जो हाईएस्ट कॉस्ट का बुक आपको दिखाऊंगी वो है आई गेस 150 और अंडर 150, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और इन सभी बुक्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हम बच्चों को इंट्रोड्यूस क्या करें। तो अगर आपका बच्चा 2 year का है या 2.5 years का है और आप सोच रहे हैं कि उसको प्ले ग्रुप में डालेंगे, और अभी प्ले ग्रुप में तो भेज नहीं सकते हैं, और इतना छोटा बच्चा ऑनलाइन में भी हमें नहीं अच्छा लगता है कि हम उनको ऑनलाइन बिठा कर रखें, तो हम अपने एंड से क्या उनको प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे कि वो इंटरेस्ट ले स्टडी में। तो सबसे मतलब पहला जो चीज़ मुझे लगता है बच्चों को देना चाहिए वो देना चाहिए एक वाइट कैनवा, मीन्स ड्राइंग पेपर, एक वाइट पेज जिसमें वाइट ड्राइंग शीट दे दो, प्लेन पेपर दे दो, कलर्स दे दो। पेंट अगर दे दोगे तो आपकी थोड़ी सी आफत तो आएगी, लेकिन वो घंटों उसमें लगे रहेंगे, थोड़ा मैसी प्रोसीजर तो होता है बट इन्जॉय बहुत करते हैं। अदरवाइज आपको क्रेयॉन्स या वैक्स कलर दोगे। अभी के सिनेरियो में नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए है वो है ये बोर्ड। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे घर में 3 लोग इसको यूज़ करते हैं, मेरी डॉटर, मेरे हस्बैंड जो टीचर है उनके भी यूज़ में आता है, एंड मेरा बेटा 10 years का है वो भी इसको यूज़ करता है। तो ये तो अभी के सिनेरियो के लिए मस्ट बाय है, और आप इसका लेंथ और ब्रेड देख सकते हो, और ये मैंने लोकल मार्केट से ही एक स्टेशनरी शॉप से अराउंड 270 or 280 rupees में, अंडर 300 मैंने इसको परचेज किया था। तो ये भी एक मस्ट बाय है और बहुत यूज़ में आ रहा है ये, और मतलब कंफर्टेबली किड्स ऑनलाइन सेशन के थ्रू अपने नोट्स इसमें लिख सकते हैं। तो ये तो ज़रूर आपको लेना चाहिए। और ये देखिए ये वाइट बोर्ड है, इसके साथ इस तरीके का ये डस्टर आता है एंड मार्कर, एंड आप इसको रिवर्स करके ब्लैक बोर्ड के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी बेटी तो इसको यूज़ करके बहुत इन्जॉय करती है, वो पूरा दिन अपना काउंटिंग और अपने अल्फाबेट्स सब इस पर लिखती रहती है। तो ये तो एक मस्ट बाय है बच्चों को एंगेज करने के लिए भी आप कह सकते हो,
और अगर बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए भी आप ये परचेज कर सकते हो, बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है एंड पूरा मतलब पैसा वसूल टाइप्स। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसी ही चीज़ें दिखाने वाली हूँ जो पैसा वसूल होने वाली है। तो अब नेक्स्ट भाई 2 ईयर का बच्चा है या 2.5 ईयर्स का बच्चा है, प्ले स्कूल वो जा नहीं पा रहा है, सब कुछ हमें उसको खुद से सिखाना है और बच्चों को बिठा के रखना और पढ़ाना इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, वो नहीं पढ़ने वाले हैं। उनको मज़ेदार चीज़ें देखकर ही मतलब आप उनको खेल खेल में ही बहुत कुछ सिखा सकते हो, इतने शार्प माइंडेड होते हैं। अगर आप उनको बिठा के रखोगे तो दे विल नेवर लर्न, है ना। तो मज़े मज़े में उनको खेल के थ्रू ही आप सिखा सकते हो। तो कुछ ऐसी बुक्स आप को ज़रूर लेनी चाहिए, रीडिंग का एक हैबिट ज़रूर डालना चाहिए बच्चों को, क्योंकि उससे बेटर ऑप्शन सिखाने के लिए मुझे नहीं लगता है कुछ है। स्टोरी के कॉन्सेप्ट से, स्टोरी रीडिंग से वो बहुत अच्छे से और बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में उसको फॉलो भी करते हैं। मतलब कुछ ऐसी मीनिंगफुल स्टोरी बुक्स भी आती हैं जैसे हैबिट्स को लेकर और गुड मैनर्स को लेकर, जिससे कि वो अच्छे से सीखते हैं और मानते भी हैं उन बुक्स को पढ़कर। तो बुक्स बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होनी चाहिए। बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ी कलरफुल होनी चाहिए, पिक्चर्स बड़े बड़े होने चाहिए, चाहे से उसमें पैराग्राफ्स या लाइंस सेंटेंसेस बहुत छोटे छोटे हों, बट उनको पिक्चर्स बिल्कुल क्लियर और बड़ी होनी चाहिए, तो वो बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंगली उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो अपनी डॉटर के साथ स्टार्ट किया था अपार्ट फ्रॉम स्टोरी बुक्स, वो था ये एक्टिविटी किट। और फ्लैश कार्ड के थ्रू बहुत अच्छे से बच्चे चीज़ों को सीखते हैं और ट्रैवल फ्रेंडली भी है, आप इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं अगर आप जा रहे हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल रहता है और इसके थ्रू बहुत ईजीली बच्चे सीख लेते हैं चीज़ों को। तो इस तरीके से इसमें ये 8-in-1 एक्टिविटी किट है, मैं 1 by 1 आपको दिखाती हूँ कि इनमें क्या क्या है। सबसे पहले ये फ्लैश कार्ड्स हैं और प्लीज़ इग्नोर इसका ये हालत, और ऑफ़ कोर्स इसकी हालत को देख के आपको पता चल जाएगा कि इसको कितना यूज़ किया है मेरी डॉटर ने और वो बहुत इंटरेस्ट लेके इसको करती है। तो सबसे पहले ये फ्लैश कार्ड्स हैं, एक साइड इसमें अल्फाबेट मेंशन है और एक साइड इसमें पिक्चर्स दिया हुआ है, जैसे ए एज एन एप्पल, बी फुटबॉल। तो बहुत बड़े बिग बिग साइज के पिक्चर्स हैं, तो वो इजीली यू नो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है सीखने में, तो उनको बड़ी पिक्चर्स के साथ ही स्टार्ट करना चाहिए। तो पहला एक्टिविटी तो इसमें ये फ्लैश कार्ड में A to Z अल्फाबेट्स के थ्रू हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है इसमें स्पेल द मिसिंग लेटर्स, जैसे राइटिंग की अगर हम बात करें तो A B C D E इसमें मिसिंग है, तो एक एक्टिविटी ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें एक्टिविटी वो है, ये है स्पेल द मिसिंग लेटर के बाद सर्कल द अल्फाबेट्स, जैसे सर्कल ऑल डी, तो डी पे उसको सर्कल करना है। और सबसे अच्छी इन कार्ड्स की बात ये है कि ये रीयूजबल है, आप इनको वापस से रीयूज़ कर सकते हो। स्केच कलर अगर आप यूज़ करते हो इसमें, तो ये किसी भी स्पॉन्ज या गीले कपड़े से आप इसको साफ कर सकते हो, ये रीयूजबल कार्ड्स हैं। देन थर्ड एक्टिविटी हो गया इसमें, फोर्थ आ गया इसमें सर्च द पिक्चर नेम, यहाँ पर इस कार्ड में पिक्चर्स दी हुई हैं और वो पिक्चर किस अल्फाबेट से स्टार्ट है उनको रिकॉग्नाइज करना है, उस अल्फाबेट पे सर्कल करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है इसमें स्टिक एंड पेस्ट, बच्चों को इस टाइप की पेस्टिंग एक्टिविटी बहुत यू नो एंगेजिंग होती है और उनको मज़ा भी आता है उसको करने में। तो ये कुछ कार्ड्स हैं, इनमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और इसकी जो पिक्चर्स हैं वो आप यहाँ से उनको देख सकते हो पेस्ट करने के लिए। तो इस तरीके से इसमें ये स्टिकर्स और कार्ड्स नेक्स्ट एक्टिविटी में आते हैं। देन ये रीयूजबल मैजिक पैड्स हैं जिसपे वो अल्फाबेट्स को लिख सकते हैं, वापस रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो काफ़ी यूज़फुल किट है और एक ही किट में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आती हैं इसमें। इसके अलावा इसमें एक पज़ल्स भी थे, A to Z के काफ़ी सारे अल्फाबेट्स के पज़ल थे, वो अभी उससे कहीं मिस हो गए हैं। मैं पिक्चर इसका जो एक्टिविटी किट है का जो ये किट है इसका पिक्चर मैं अपलोड कर दूंगी साइड में, वो आप देख सकते हो, और इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी, आप वहां से जाके चाहें तो परचेज कर सकते हो या इससे सिमिलर एक्टिविटी किट्स अपने बच्चों के लिए परचेज कर सकते हो। ये काफ़ी यूज़फुल और एंगेजिंग रहती है बच्चों के लिए।
तो ये तो था इस किट का यू नो डिस्क्रिप्शन, और काफ़ी रीज़नेबल से प्राइस में था, आई थिंक अंडर 300 था ये भी। तो ये भी आपको इस तरीके के किट में भी इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, ये बच्चों को ईजिली लर्न आप इसके थ्रू भी करा सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके के बोर्ड बुक से स्टार्ट करते हैं, एंड मुझे लगता है ये सभी पेरेंट्स सबसे पहले अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते होंगे, ऑलमोस्ट सभी के पास होंगी, फिर भी मेरे कलेक्शन में थी तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ। और ये सारे वेरिएंट्स इसमें आते हैं, एनिमल्स, राइम्स, नंबर्स, बर्ड्स, व्हीकल्स, फ्रूट्स, अल्फाबेट्स, शेप्स एट्सेट्रा, तो आप कोई भी उनको दे सकते हैं सीखने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है बोर्ड बुक्स की कि बहुत ही यू नो स्टर्डी होती हैं, ईजीली फटती नहीं होती है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे होते हैं तो वो तो रफ एंड टफ ही उसको यूज़ करते हैं, तो ईजीली ख़राब नहीं होती हैं, अच्छी चलती हैं। तो ये बोर्ड बुक्स से प्ले ग्रुप के बच्चों को इंट्रोड्यूस सबसे पहले करना चाहिए, है ना। और उसी के साथ राइम्स, है ना, बचपन से ही हम सीखते आ रहे हैं और अपने बच्चों को भी सबसे पहले उन्हीं से ही सिखाते हैं, और कुछ कुछ तो इतनी पुरानी राइम्स हैं जो हमने सीखी हैं और वो हमारे बच्चे भी अभी भी सीखते हैं और वो सदाबहार राइम्स हैं, है ना। तो ये बोर्ड बुक्स हो गया। उसके बाद जो मेरी डॉटर के पास, मुझे लगता है वो बहुत इंजॉय करती है इन बुक्स को, तो उनमें है ये प्रथम के बुक्स, और ये लेवल 1 से 4 तक में आते हैं। सबसे ईजी वर्जन ऑफ कोर्स लेवल 1 का है, और सबसे अच्छी बात इन बुक्स की ये है कि इनके पिक्चर्स बहुत अच्छे हैं, देखिए पेपर्स, कलर्स, पिक्चर बहुत अच्छे हैं, तो बच्चे ना बड़े अट्रैक्ट होते हैं इनको पढ़ने के लिए। और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में ये बुक्स आती हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उसके अलावा बंगाली, सभी लैंग्वेजेस में आती हैं इनकी। इस तरीके से बाइलिंगुअल बुक्स भी आती हैं जिसमें दोनों लैंग्वेजेस को यूज़ करके आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, जैसे ये इंग्लिश एंड हिंदी है, तो इसमें इंग्लिश के साथ साइमल्टेनियसली हिंदी में भी उसको दिया हुआ है, जिससे कि बच्चे पढ़ सकते हैं, है ना, साथ साथ इंग्लिश एंड हिंदी में। आप इंग्लिश एंड बंगाली ले सकते हैं या मराठी एंड इंग्लिश ले सकते हैं, उसकी ऑप्शंस भी हैं, अपने लैंग्वेज में भी उनको चीज़ें सिखा सकते हैं, और बहुत ही रीज़नेबल और अफोर्डेबल प्राइसेस में आप इनको ले सकते हैं। 30, 35, 50 के अंडर ये बुक्स रहती हैं, और इतनी पतली सी बुक्स रहती हैं तो आप ये ट्रैवल फ्रेंडली भी बहुत होती हैं, आप इसको ट्रैवलिंग के टाइम भी यूज़ कर सकते हो, ताकि बच्चे जो हैं वो आपको थोड़ा सा एक यू नो रहे उनके पास, वो ईजीली पढ़ लें ट्रैवलिंग के टाइम, है ना। तो ये एक प्रथम की बुक्स सबसे ज़्यादा वो इंजॉय करती है, प्रथम एंड लेडी बर्ड एक बुक है, लेडी बर्ड वो भी मैं आपको आगे दिखाऊँगी, उसके बुक्स भी वो बहुत इंजॉय करती है। तो ये फर्स्ट बुक है प्रथम का, जिसमें रानीज फर्स्ट डे एट स्कूल, उसने इससे स्टार्ट किया था, एंड यू नो शी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस कि मम्मा मैं भी स्कूल जाऊंगी, अच्छा ऐसे होता है स्कूल, तो वो पूरा यू नो इमेजिन कर लेती है और अच्छे से सीखती है, मतलब इन्जॉय करती है बुक्स को। और उसके बाद में उसका ये वर्क पे ड्यूटी रहती है कि भाई आज मैंने उसको ये स्टोरी सिखाया, वो मेरे साथ पढ़ती है, और मैं उसको बोलती हूँ कि ठीक है अब ये स्टोरी आप पापा को सिखाओगे या आप भैया को सिखाओगे, तो वो इस तरीके से बहुत अच्छे से इन्जॉय करती है। और अब नाउ शी इज़ इन यू नो नर्सरी, मैंने प्ले ग्रुप से ही उसको ये बुक इंट्रोड्यूस करा था, अभी वो नर्सरी में है, तो अभी मैं उसको क्या वर्ड देती हूँ कि भाई ठीक है अभी उसको अल्फाबेट्स सब पता लग गए हैं लिखना एंड रिकॉग्नाइज कर लेती है वो, तो मैं उसको बोलती हूँ ओके ठीक है आप टी को सर्कल करो, इस पेज पे आप ए को सर्कल करो, है ना। तो वो भी वो एक्टिविटी भी आप बच्चों को करा सकते हो, उस तरीके से भी उनको सिखा सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि ये स्टोरी बुक आपने एक बार पढ़ ली तो बस ख़त्म इसका काम, इस तरीके से ये एक्टिविटीज़ भी आप अपने बच्चों के साथ करवा सकते हो और इस बुक को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। तो ये प्रथम का एक है रानी फर्स्ट डे एट स्कूल, उसके बाद नॉटी डॉग, इसमें एक डॉग है और उसका जो मतलब बॉय है जो उसको ध्यान रखता है उसका, और उसके साथ वो मस्ती करता है, तो ये सब चीज़ें उसमें दी हुई है, तो ये भी वो बुक बहुत इंजॉय करती है। एंड देन एक है ये ब्रशिंग इज सो मच फन,
तो जैसे बच्चे होते हैं कि यूजुअली आपकी किसी बात को नहीं सुनते हैं कि भाई उनको किस तरीके से आप सिखा सकते हो कि भाई ब्रशिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट है ना, किस टाइप के गुड मैनर्स और गुड हैबिट्स वाले बुक्स के थ्रू भी आप उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये वीरू गोज़ टू सर्कस, ये लेवल 2 है, आगे भी वो यूज़ कर सकती है। अभी मैं उसको पढ़ के सिखाती हूँ तो ये बुक को भी बहुत इन्जॉय करते हैं। इसमें एक बच्चा है वीरू जो कि सर्कस में जाता है अपने दादू एंड दादी के साथ और किस तरह से वापस आके वो सर्कस को इन्जॉय करता है और घर पे आके वो सर्कस करता है, उसके ऊपर है ये बुक। तो ये भी बहुत अच्छी, तो आपको जो बच्चों को बुक इंट्रोड्यूस करनी है ना वो काफ़ी कलरफुल और उनके माइंडसेट के हिसाब से करनी है। और सबसे ज़्यादा आप देखते होंगे कि बच्चे जो एंजॉय करते हैं वो कार्टून्स को एंजॉय करते हैं। कार्टून्स को इसलिए एंजॉय करते हैं क्योंकि कलरफुल होते हैं, पिक्चर्स उनको बड़ी वाइब्रेंट सी दिखती हैं और मस्ती करते हुए ऊटपटांग शैतानी करते हुए बच्चे नज़र आते हैं। तो सिमिलरली जब आप उनको बुक्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसमें उनका माइंड सेट वही रहेगा, तो उनको इस तरीके के बुक्स काफ़ी पसंद आने वाली है और इसके थ्रू वो अच्छे से सीखते भी हैं। मेरी बेटी जैसे उन्होंने खाने में शी इज़ सो चूज़ी, तो मैं उसको इसी तरीके से सिखाती हूँ कि भाई देखो रानी जो है वो स्कूल भी जाती है एंड देन वीरू सर्कस में क्या कर सकता है या फिर ब्रशिंग कैसे एक फ़न हो सकता है। तो वो ठीक है मम्मा, अच्छा खाना भी ऐसे ही खाना है ना, तो हेल्दी बनेंगे हम एंड थिंग्स लाइक दैट, इस तरीके से मैं उसको सिखाती हूँ। तो वो इजीली मेरी बात को सुनती भी है। तो इस तरीके से बुक्स हमें किड्स के हैबिट्स से लेके उनके माइंड डेवलपमेंट और वोकैबुलरी सभी चीज़ों में रीडिंग और स्टोरी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो चलिए, मुझे लगता है बातें मैंने काफ़ी ज़्यादा कर ली है, मैं नेक्स्ट बुक आपको दिखाती हूँ, वो है पम्बरम द नॉटी टॉप। ये भी मतलब इसकी सारी बुक्स ऑलमोस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, कलरफुल है, आप देख सकते हो। इन सभी बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी, आप अमेज़न से इनको परचेज कर सकते हो। और भाई इससे ज़्यादा रीज़नेबल आप क्या लोगे कि मतलब इस प्राइस में तो आजकल आपको चॉकलेट्स भी नहीं मिलती होगी जिस प्राइस में आपको इतनी मतलब मज़ेदार सी बुक्स कलरफुल सी मिल रही हैं, है ना। तो ये बुक आपको अपने बच्चों को ज़रूर इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, मेरी बेटी भी काफ़ी इन्जॉय करती है। तो ये सारी मैं आपको जल्दी से फटाफट से दिखा देती हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट है ये वेयर डिड योर डिम्पल्स गो, इसमें ट्रेट्स के बारे में दिया है कि किस तरीके से पापा मम्मा के जो हेयर है या कोई भी कलर है या बर्थ मार्क है जो किड्स में और ग्रैंड पेरेंट्स से किड्स में और उनके किड्स में आ जाता है, तो उससे रिलेटेड ये बुक है। उसके बाद नेक्स्ट ये दादू दादी का एक परफेक्ट मैच करके बुक है, वो आप दे सकते हैं। बट अगर अभी आपका बच्चा 2-2.5 ईयर्स का है तो लेवल 1 से आप स्टार्ट करिए, 2 पे भी जा सकते हैं, 3 and 4 फिर 4 or 5 ईयर्स 6 ईयर्स तक के बच्चों के लिए है ये। उसके बाद मोर लेस नीड टू गेस, ये भी लेवल 3 है, तो KG तक के बच्चों के लिए आई गेस ये ठीक है, नर्सरी KG तक के बच्चों के लिए, उसमें वो रीडिंग थोड़ा सा सीख जाते हैं, है ना। क्योंकि तो लेवल्स भी इसमें दिया हुआ है, जैसे लेवल 1 है तो फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन, है ना, और लेवल 2 फॉर चिल्ड्रन हु रिकॉग्नाइज फेमिलियर वर्ड्स, है ना। उसके बाद लेवल 3 थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो गया, जिसमें चिल्ड्रन कैन लर्न एंड रीड ऑन देयर ओन, वो वाले किड्स के लिए है, तो वो आप आगे चल के उनको दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे बड़े हैं 5 years, 4.5 years, 6 years तब तक आप उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और लेवल 4 फिर 2nd, 3rd तक के बच्चों भी पढ़ सकते हैं। देन एक ये टीचिंग पा है, ये भी लेवल 3 का बुक है। उसके बाद जो नेक्स्ट उसकी फेवरेट बुक है वो है ये लेडी बर्ड के बुक्स, ये भी लेवल्स में है, तो लेवल 1 है ये, जैसे मैजिक पॉरेज पॉट, ये तो उसकी मतलब वन ऑफ द फेवरेट बुक है। उसमें इस बुक की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले फर्स्ट पेज पे इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है ना, तो सबसे पहले आप इससे स्टार्ट कर सकते हो कि भाई ओके, बच्चे को पता लगेगा कि हाँ स्टोरी में उसको कौन कौन से कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं। ओल्ड वुमेन है, लिटिल गर्ल है, मदर है, मैजिक पॉरेज पॉट है, तो इन सब के से रिलेटेड बुक्स हैं ना, उसके बाद वो इसको स्टार्ट करते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बुक है ये भी, और एंड में फिर इस तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं कि भाई क्या हुआ बुक में, है ना, क्या था स्टोरी में,
इस तरीके से क्वेश्चंस है जैसे कि who gives the magic porridge pot to the little girl, है ना. तो आप पूछ सकते हो कि भाई किसने दिया था उसको, तो यू नो शी क्विकली आंसर्स कि हाँ मम्मा इसने दिया था. ओके, तो उसको कैरेक्टर्स भी याद हो गए हैं इसके, तो ये है. उसके बाद टाउन माउस एंड कंट्री माउस, ये दो किड्स हैं, सॉरी दो माउस हैं जो कि आपस में बात करते हैं. एक कंट्री से बिलोंग करता है, एक टाउन से बिलोंग करता है. ये है एक वो. देन बुलबुलीज बैम्बू, ये बैम्बू थिंग्स के ऊपर एक गर्ल है जो कि मतलब बैम्बू थिंग्स यूज़ करती है, बैम्बू का बेड एंड देन उसका हाउस. तो वो कॉन्सेप्ट है इस बुक का. तो इसके भी काफ़ी यू नो पिक्चर्स बहुत ही कूल और वाइब्रेंसी है जो कि यू नो इंटरेस्ट से वो पढ़ती है. तो इस ये थी कुछ उसकी, मैंने सारी बुक्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाता. तो वीडियो एंड करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, इस चैनल पर मैं अपलोड करती हूँ गार्डनिंग रिलेटेड वीडियोस, कुकिंग रिलेटेड वीडियोस, डेली व्लॉगिंग, वर्चुअल टूर और होम एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस, इन शॉर्ट आप बोल सकते हो. तो अगर इस तरीके के वीडियोस आपको देखना पसंद है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. साथ ही में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर लीजिएगा मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. Till then, bye bye and take care.